वायरल कपल है उनसे मिलवाती हूँ। लग रहा है मुझे खाने कम आ रहे हैं, वीडियो ज्यादा बनाने के लिए आ रहे हैं। डर गई पीछे यार, पीछे देखो मारो कोई जाने पाए। ना इतना छोटू सा बच्चा है और एक दीदी दुकान दिए, छोटा सा दुकान दिए, मतलब हस्बैंड तो इस बारे में रोल हो रहा है मशीन में। क्या हो रहा है? स्पाइरल रोल? स्पाइरल रोल नहीं है, स्पाइरल पोटैटो है। तो साहिल आप पढ़ाई भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो। छोटे मोटे लोग को थोड़ा सा वायरल कर देते ना, उन लोग का यही हालत होता है, थोड़ा सा वायरल क्या हो जाते हैं, मतलब एटीट्यूड आ जाते हैं। Hey guys, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए। तो गाइस अगर आप मुझे अभी पूछो कि गुवाहाटी में क्या चल रहा है, असम में क्या चल रहा है, असम में इतना ज्यादा फेमस हो रहा है स्पाइरल पोटैटो, पता नहीं वो पोटैटो में क्या रखा हुआ है। कभी ऐसा होता था घर में अगर आलू बन जाए तो हम लोग क्या बोलते थे, मम्मी यार रोज रोज क्या आलू बनाते हो, और आज यहाँ आलू का भाव देखो, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को मतलब इतना आलू पसंद हो रहा है, बच्चे बूढ़े जवान सब के सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, असम के हर एक कोने से आ रहे हैं स्पाइरल पोटैटो खाने के लिए। तो गाइस मैं भी सोच रही थी चलो मैं भी जाकर के एक बार देख के आती हूँ, एक बार टेस्ट करके आती हूँ, मतलब क्यों इतना फेमस हो रहा है, असली में टेस्ट है भी या नहीं है। और गाइस जो कपल फेमस हो रहा है वो मतलब शादी के 2 महीने ही हुए हैं, तो वो लोगों ने स्पाइरल पोटैटो का बिजनेस स्टार्ट किया है, और इस वजह से भी मतलब लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिल रही होगी, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो लोग फेमस हो रहे हैं। और साथ ही स्पाइरल पोटैटो जो यूनिक रेसिपी है जो पहली बार गुवाहाटी में आया है, तो इस वजह से भी हो सकता है फेमस हो रहे हैं। तो गाइस आखिर बात क्या है, तो आप लोग को देखो मैं तो रेसिपी टेस्ट करके बता सकती हूँ कि असली में कुछ बात है या नहीं स्पाइरल पोटैटो में, या फिर कपल सेल कर रहे स्पाइरल पोटैटो इस वजह से भी हो सकता है फेमस हो रहा है। यार पीछे कौन यार डिस्टर्ब कर रहा है यार, सब जगह से घूम फिर के इधर ही आके बरबरा रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं लेट हो गई हूँ, और दुकान में ज्यादा भीड़ हो जाने के बाद ना बात बात करने में डिस्टर्ब करने में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा जल्दी चली जाती हूँ। अभी तक दुकान खुला नहीं है, तो मैं सोचा कि चलो यार टिकट काट लेते हैं, पास ही में दिल्ली बुकरी पार्क है, तो मैं गई टिकट काट लिया, और साथ ही मैंने एक जूस ले लिया लेमन जूस। तो गई जरा लेमन जूस मैंने ले लिया, और लेमन का तो LB इसमें कुछ टेस्ट वेस्ट तो है नहीं, बट वो ऐसा लगा कि 7 अप या फिर माउंटेन ड्यू वो पी रहे, लेमन जूस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने लिया, तो कुछ टेस्ट है नहीं। और हाय गाइस, ये चेहरा अगर पहली बार आप कोई देख रहे हो, पहली बार हो मेरे चैनल पे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहती हूँ, आप लोगों को भी पता है, और आप लोग भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। एंड मेरा 1000 सब्सक्राइबर 1 वीक पहले ही कंप्लीट हुआ था, अभी 2000 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मतलब आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार आप सब ऐसे ही देते रहिए। और गाइज मैं अभी आज अकेले ही आई हूँ, मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी बोले थे, एक दो फ्रेंड को बोली थी मैं कि अगर चलना है तो चलो जाएंगे हम लोग, इतना वायरल हो रहा है स्टोरी तो एक बार देख करके आएंगे, बट सब बिजी है, और मैं जब फ्री रहूं तो वो लोग भी फ्री रहे, ऐसा तो कोई बात है नहीं, तो इसलिए गाइस किसी का वेट ना करते हुए मैं निकल पड़ी हूँ, अकेले ही निकली हूँ, लाइफ में तो अकेले ही चलना है। और हाँ गाइस आप लोग एक बार बता दूँ, किसी के लिए ना लाइफ में वेट मत करना, ठीक है, कहीं में भी कुछ भी अगर कुछ अचीव करना चाहते हो ना, किसी का वेट मत करो, अकेले निकलो, अकेले ही करो, और उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जब आप अकेले जाओगे अकेले कुछ करोगे ना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वैसे भी मैं पहले भी अकेले व्लॉग बना चुकी हूँ, और सोलो व्लॉग अच्छा लगता है, इंजॉय करना आप खुद के साथ इंजॉय करना बिल्कुल अच्छा लगता है, तो यस इंजॉय कर रही हूँ। आज ना वेदर इतना ज़्यादा अच्छा है, और पार्क का व्यू कुछ इस तरह से है, देख लीजिए मैं ज़्यादा ही कोने में बैठ गई हूँ, जगह नहीं मिल रही थी यार, तो यहाँ पे कोने पे बैठी हूँ, और व्यू जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, और वेदर भी काफी अच्छा लग रहा है। तेरा परगी है परगी और ना होनी बे, गाइस हमें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं बाहर से दिखाती हूँ। गाइस गुवाहाटी में ना एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, अभी जैसे मैं अंदर बैठी हुई थी तो एक पता नहीं क्या बंदा ईयरबड्स लगा करके डांस कर रहा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस कुछ लोग ना इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना, उसको देख करके मतलब बहुत अच्छा लगता है, और अभी जैसे कि आपने एक देखा कि एक लड़का डांस कर रहा है, ऑब्वियसली वो अपना वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव करने के लिए वो कुछ अलग कर रहा है, कि लोगों को एंटरटेन करे,
और उसका भी कुछ ड्रीम होगा वो पूरा करना चाहता है। पब्लिक में इस तरह का डांस करना, उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ यार, और आगे बढ़ो, कुछ करो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कोई आगे बढ़े तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हर एक का अपना ड्रीम होता है, अचीव करो यार। बट फिर डर गई यार, पीछे देखो, पीछे यार, पीछे देखो, दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए, गड्डी से भी रुकना चाहिए। यार कसम से मैं डर गई थी, मैं सोची क्या हो गया भाई, यार अचानक से ऐसे कैसा आवाज आ रहा है, पीछे देखो, अपनी भैंस चराए, कल से भाई से आते हैं जीवर के, नाच लो घर वाले ना मापी है, शुरुआत है, फ्री का इंटरटेनमेंट मिल रहा है। बाद में ना कहना चाहते, पहले दे तू बॉर्निंग, पार्टी चलेगी इन द मॉर्निंग, इसको ज्वाइन कर लिया, नाच नाच के तोड़ सिंगल, ना दिखाए जिसमें दम है, पार्टी करेंगे हम, किसी के भी पप्पा से नहीं डरेंगे, भैया सारे पानी कम गाइस, देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए, आपको यार कॉन्फिडेंस चाहिए यार, इसके लिए तो भाई कसम से नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। सो गाइस वो लोग फिर से आ गए थे और सब बोल रहे हैं कि यार सब वायरल हो जाओ, मैं ऐसे फोकट का वायरल हो जाओ, ये दिगली पुखड़ी पूरा वायरल हो जाएगा, एक से एक आदमी सब वायरल होने लगेंगे अब धीरे धीरे। और ये जो है ना, ये इसका नाम दिगली पुखड़ी के अलावा हो जाएगा वायरल पॉइंट, जो भी है यहाँ पे वायरल हो जाएगा। यार अभी तक नहीं आ रहे यार स्पाइरल पोटैटो वाले लोग, कब से वेट कर रही हूँ यार, 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, आज मेरा वीक ऑफ भी ऐसे ही चला गया गाइस, सुबह से वेट कर रही थी कि जाना है जाना है, और जब आ गई हूँ तो इतना जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि मैंने एक व्लॉग में देखा था कि उन्होंने बोला था कि 2 बजे या फिर 3 बजे को दुकान खोल देते हैं, तो इस वजह से मैं सोची कि पहले ही चली आऊँ, पहले ही चली आई यार, अभी तक बैठी हुई हूँ, अभी तक दुकान ही नहीं खुला हुआ है। इतने साल में मैं कभी भी किसी लड़के के लिए इतना वेट नहीं की होंगी जितना मैं इन स्पाइरल पोटैटो वाले लोग का वेट कर रही हूँ। 5 बजे तक मैं देख लूंगी यार, अभी 4:30 हो गया, 5 बजे तक देखती हूँ, अगर आएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। और मैं भी एक्साइटेड थी कि वायरल कपल से मिलेंगे यार, बेचारा ये जो है ना बेचारा कितना मेहनत करता है यार, इतना बड़ी बड़ी लड़कियां लोग झूले पे बैठ जाते हैं और वो अंकल सीटी बजाते बजाते उन लोग को उतारते हैं। एक आंटी भी बैठी कर रहा है, भाभी भाभी उतरो उतरो, क्या करते हो आप लोग, एज नहीं दिखाई दे रहे क्या, कितना एज तक है यार, इतना ऑकवर्ड लगता है। तो यही सब गाइस अभी यही सब देख रहे, यही सब बच्चे लोग आए हैं, यही सबको देख करके तो इन्जॉय कर रही हूँ और रील्स देख रही हूँ। और जेनिफर विंगेट तो मेरा फेवरेट है, उनका अभी एक सॉन्ग आया है, वो भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, वो भी देख रही हूँ, बहुत सारे रील्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाना। गाइस अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, स्पाइरल पोटैटो वाला लोग दुकान खोल रहे हैं, वो बोरा ओनर इस दुकान का, तो ये लोग खोल रहे हैं, और कपल्स तो अभी तक आए नहीं, उनका भी दुकान अभी तक बंद ही है, और इनसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी वही स्पाइरल पोटैटो ही खोला है, और इनका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था टॉक न्यूज़ में, तो आए हैं और इनसे भी बात करते हैं। पहले भाई सेटअप कर ले दुकान का, तब मैं डिस्टर्ब करूँगी, अभी नहीं करने वाली। जब भी मैं आती हूँ मतलब ब्लॉग करने के लिए बारिश आ जाती है, अभी शायद बारिश आने वाली है, धीरे धीरे बारिश आएगी यार, मेरे ही टाइम में क्यों भाई, भाई क्या दुश्मनी है मेरे साथ, पहले एक बार और आई थी मैं तो बारिश स्टार्ट हो गया था। बाबू का क्या नाम है, कावेरी, कावेरी लड़की है। तो गाइस देखिए ना, इतना छोटू सा बच्चा है और एक दीदी ने छोटा सा दुकान दिया है, मतलब हस्बैंड तो बीमार हो गया, और मैंने दीदी को बोला कि आपको क्या है मैं वीडियो में ले सकती हूँ, तो दीदी बोल रहे कि नहीं हमारे फैमिली वाले लोग मतलब अलाउ नहीं करते हैं वीडियो में आना, मतलब बुरी बात होता है ना दीदी। नहीं ना, क्या सेल कर रहे हैं, इसका नाम क्या है दीदी, आमरा। अरे आवाज भी देने में डर रहे, आवाज से आपको कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा कि आप हो, आप टेंशन मत लो।
मैं दिखाती हूँ आपको क्या दुकान है, एग्जैक्ट दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। दीदी ये लीजिए। अरे नहीं दिखाऊंगी, आप टेंशन मत लो, आपको नहीं दिखाऊंगी मैं। मुझे पता है ना कि अगर दिखाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके तरफ नहीं जा रहे हैं। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते थे पहले? ऐसे ही काम करते थे, मतलब काम करते थे। तो गाइस मैं अभी वो दीदी का दुकान दिखाती हूँ। तो गाइस ये रहा वेदर, देखो बारिश आने वाली है, तो दीदी सोच रही है कि ये जो जितना है ना वो सारे बिक जाए तो वो हो जाएगा, मतलब इतना सारे बिकने का वेट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा सेलिंग भी नहीं होता है। तो गाइस पता नहीं आप लोग के स्टेट में क्या बोलता होगा, बट हमारे स्टेट में तो वही बोलता है आमरा, तो वही था, यही सेल करते हैं दीदी। और इतना डर रहे कि भाई कैमरा में नहीं, मुझे मत ले लो, मुझे मत लो। अरे नहीं लूँगी, मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, मतलब अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो मैं क्यों लूँगी उनको। मैं कभी नहीं ऐसा करूँगी, कोई कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उसको ज़बरदस्ती कैमरा में कभी नहीं लूँगी। और दिगली पुखड़ी में दीदी बेचते हैं, अगर किसी को आमरा खाना है तो आओ यहाँ पे खाओ। कितना करके देते हो आप? जोरा 15 रुपया भी करके देते हैं। जोरा 15 रुपया, 2 15 रुपया, तो 2 आमड़ा 15 रुपया, आ जाओ खा लो। स्पाइरल पोटैटो का दुकान खुल गया है, अभी बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, तो अभी हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा बात बात कर लेते हैं कि किस तरह से स्टार्ट किया था बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे तैयारी हो रही है, पहले से इतना ज़्यादा साफ वाफ करके रखा है यार, एक बार देख लेती हूँ। हाँ यार बहुत अच्छे से साफ वाफ करके रेडी करके रखा हुआ है। ये बाबू राव का स्पाइरल रोल हो रहा है मशीन में। क्या हो रहा है? स्पाइरल, स्पाइरल रोल, स्पाइरल रोल नहीं है यार, स्पाइरल पोटैटो है। वो मालिक है ना, उनको पता होगा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया अब, कि किस तरह से मशीन से बनाया जाता है। हो गया, और नेक्स्ट प्रोसेस कौन करेगा? आ रहा है मेरा रामन भाई, दिल्ली से मंगाया गया है, दिल्ली से मंगवाया गया है। अच्छा हायर करके, चलो इसीलिए तो मैं सोच रही थी इतना भीड़ क्यों हो रहा है। देखिए गाइस अभी तो आए, अभी धीरे धीरे अभी और कस्टमर आएंगे। तो साहिल मैंने ना आपका एक इंटरव्यू देखा था, प्राग न्यूज का इंटरव्यू, तो मतलब आपका जो स्टोरी है ना बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि आपसे थोड़ा सा बात किया जाए। तो आप कितने, मतलब कितने दिन से स्टार्ट किया आपने ये स्पाइरल पोटैटो का स्टॉल? 8 मंथ हो गया। 8 मंथ हो गया, तो पहले आप कुछ और करते थे? जी, पहले मैं जॉब करता था, एक फ्लिपकार्ट कंपनी में कॉल सेंटर में। अच्छा जॉब करते थे, तो जॉब करने के बाद मतलब ये सडनली कैसा प्लानिंग चेंज हो गया? मतलब पहले से आप सोच के रखे थे कि बिजनेस करना है, ऐसा कुछ प्लानिंग था? पहले से प्लानिंग था कि मुझे बिजनेस करना है। ये पहले से बना करके लेके आया था रेसिपी? तो गाइस जैसे ही देखिए दुकान खुला, यहाँ पे देखिए कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर्स, इतने सारे कस्टमर्स, मतलब ऐसा क्या, मतलब मैजिक मसाला आप लोग डाल रहे हो जो इतना कस्टमर्स, क्या बात क्या है, आके क्या डाल रहे हो, कुछ स्पेशल मसाला है क्या? ये पेरी पेरी फ्लेवर का है। पेरी पेरी फ्लेवर। और स्टार्टिंग मतलब कितना से है? मतलब उसमें कुछ स्पेशल कुछ है क्या? उसमें 60 में चीज आता है, और ये 40 वाले में सब मसाला आएगा, मतलब एक्सेप्ट चीज, मतलब सब मिलेगा, मतलब चीज नहीं रहेगा। ओके, तो साहिल आप पढ़ाई भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो? अच्छा, तो जैसे कि यंग जनरेशन के लोग, बच्चे जैसे कि आजकल बोलते हैं, मतलब पढ़ाई करने के बाद बिजनेस मतलब नहीं करना चाहते हैं, मतलब बोलते हैं ये छोटे बिजनेस है यार मैं नहीं करूंगा, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारा ऐसा होता है ना, किसी को बिजनेस में इंटरेस्टेड रहता है, वो नहीं रहता। हाँ, और पढ़ाई करने के बाद जॉब मिल ही नहीं रहा है, तो बहुत कम जॉब मिलते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार जॉब नहीं मिल रहा है, उनको क्या बोलना चाहोगे? तो बस यही बोलना चाहते हैं, आप एक बार बिजनेस करके देखो, अगर एक बिजनेस नहीं चल रहा तो कुछ दूसरा ट्राई करो, मतलब बिजनेस करके देखो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, और गाइस ऐसे डिप्रेशन में नहीं चलना, चले जाना चाहिए कि यार मुझे जॉब नहीं मिले, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी निकालो, कुछ करो और आगे बढ़ो, बस यही है। और गाइस देखिए किस तरह से पढ़ाई भी कर रहा है, पढ़ाई भी कंटिन्यू है और साथ ही बिजनेस भी चला रहा है अपना, हमारे लिए एक्चुअली यंग जनरेशन के लिए अभी इंस्पिरेशन है। वहाँ पे है ना वो साइड में वायरल कपल है, तो उनके पास भी जाऊंगी, फर्स्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे दो स्पाइरल पोटैटो
पोटेटो का दुकान है, तो एक वो दुकान है, ठीक है, वो बाबू राव का दुकान है स्पाइर पोटेटो, और साथ ही यहाँ पे जो वायरल कपल है उनका भी है। तो मैं अभी आप लोगों को जो वायरल कपल है उनसे मिलवाती हूँ। लग रहा है मुझे खाने कम आ रहे हैं, वीडियो ज्यादा बनाने के लिए आ रही है, मतलब आगे पीछे मैं जितने दिन से देख रही हूँ मतलब 1 वीक से कंटिन्यू इतना वायरल हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमर्स देखिए, और वहाँ पे मुझे देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है जो कपल्स है, तो मैं पीछे की तरफ से जाती हूँ और जाकर के आप लोग को दिखाती हूँ। अब इतने शिद्दतों के बाद अभी मुझे मिला है, 3 घंटे से मैं वेट कर रही थी ये वायरल कपल का, तो फाइनली मुझे देखने के लिए मिल गया भाई। अभी ये 1 वीक से मतलब अभी बोल सकते हो कि ये सेलिब्रिटी हो गए हैं लोगों की, मतलब कस्टमर तो कस्टमर, आप वीडियो भी देख लो और कितने बनाने वाले आए हुए हैं, तो दोनों अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, थोड़ा सा तो, अगर फ्री हो जाए तो मैं इनसे भी थोड़ा बात करूँगी और इनका लव स्टोरी प्लस बिजनेस स्टोरी दोनों ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोनों ही काफ़ी बिजी है गाइस, भाई वहाँ पे देखो सबके सब ब्लॉगर हैं। सो गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा घमंड आ गया है, ऐसा लग रहा है मुझे यार। गई थी मैं वीडियो करने के लिए, मतलब इतना एटीट्यूड भर भर के आ गया है, मतलब यही होता है ये थोड़े, जैसे कि छोटे मोटे लोग को थोड़ा सा वायरल कर देते हैं ना, उन लोग का यही हालत होता है, थोड़ा सा वायरल क्या हो जाते हैं, मतलब एटीट्यूड अलग से एक एटीट्यूड आ जाते हैं। तो वही एक था ना जो बाबा का ढाबा, वो वायरल हुआ था, फिर उसका वो जो एटीट्यूड आ गया, तो उसके बाद क्या हो गया, फिर वो डूब गया ना। वैसे ही जैसे ही थोड़ा सा कोई फेमस हो जाता है यार, इतना ईगो अंदर में आ जाता है, मतलब क्या बोल। सो गाइस उस दिन मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि बारिश आ गया था, एंड साथ ही मेरा मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो गया था, और आज मैं ये ब्लॉग कम्प्लीट कर रही हूँ। मैं अभी आ रही हूँ नहा करके, एंड थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया क्योंकि मैं अगर लिपस्टिक ना लगाऊँ ना तो मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, तो थोड़ा सा बस वही लगाया, फेस में कुछ लगाया नहीं है। और हाँ गाइस, जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा किस तरह से मैं एक्साइटेड थी कि वायरल कपल से मिलूंगी, उनसे बातचीत करूंगी, बट लास्ट में मेरा कचरा हो गया। और गाइस मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, इस वजह से मैं खुद को मोटिवेट तो रखती हूँ, और साथ में जो मेरे अराउंड में जितने भी लोग हैं मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी मैं मोटिवेट रखूँ। मेरा मेन मोटिव यही था कि इंस्पायरिंग स्टोरी था, तो इस वजह से मैं गई थी आप लोगों से स्टोरी शेयर करने के लिए, बट वही हो गया कि थोड़ा बहुत मुझे फील हुआ, ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा एटीट्यूड आ गया है। सो गाइस चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वायरल कपल के साथ। इसमें जो लड़की थी के फेस में इसे देख करके छोटी सी स्माइल होता है ना, वो स्माइल कर रही थी, उनकी तरफ से कुछ रेस्पॉन्ड नहीं आया, और इतना मतलब फेस में इतना ज़्यादा एटीट्यूड भर के रखा हुआ था, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ आप अजीब तरह से इग्नोर कर रही थी ना, लिटरली मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, और मैं वैसे नहीं हूँ इसी वजह से शायद मुझे बुरा लगा, और हो सकता है किसी को ना लगे बट मुझे तो लिटरली बुरा लग गया। और हाँ गाइस मुझे पता है कि कपल्स बहुत बिजी थे एंड टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था इस वजह से मैंने बोल दिया जो बोलना था, बट अब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ शायद बिजी होंगे, तो हो सकता है उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पर्सनली। वीडियो में भी जैसे कि आप लोगों ने देखा और आप लोगों को भी शायद रियलाइज हुआ होगा थोड़ा बहुत, एंड मैंने वहाँ पे भी बोल दिया था कि यार थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि यार एटीट्यूड तो आ चुके हैं, तो वही बात है गाइस, कोई बात नहीं, सबका दिन आता है, मेरा भी दिन आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा, और गाइस ये अपना टाइम आप लोग ही मेरे लिए लाओगे। मैं लाइफ में कितनी भी आगे बढ़ जाऊँ लेकिन मेरे में ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं आने वाला है, ये मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ ना गाइस, और आप मुझे फ्यूचर में भी अगर आप मुझे कभी मिलोगे, मुझसे पर्सनली जब मिलोगे तो आप लोग वैसा ही फील करोगे जैसा मैं बोल रही हूँ। सो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही था, आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आई होगी, अगर व्लॉग थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।